अगर हम कहें कि ये शव यात्रा और ये अंतिम संस्कार किसी आदमी का नहीं बल्कि बंदर का है तो आप शायद ही इस पर यकीन कर सको, लेकिन विश्वास कीजिए ये सब सच है। दरअसल ये तस्वीरें मंदसौर जिले के तोलाखेड़ी गांव की हैं, जहां लंबे समय से गांव में रह रहे एक बंदर की मौत हो गई। ग्रामीण इस बंदर को हनुमान जी का अंश मानते थे और इस घटनाक्रम के बाद वो काफी आहत हो गए, जिसके बाद उन्होंने बंदर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने का फैसला लिया और गाजे बाजे के साथ गांव में बंदर की शव यात्रा निकाली। साथ ही दाह संस्कार भी किया गया। शव यात्रा के दौरान ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। ग्राम दोलाखेड़ी में आज मतलब बंदर के किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी, तो सभी ग्रामीणों ने बंदर की हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शव यात्रा निकाली गई है। तो सभी ग्रामीणों ने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार का कार्यक्रम किया गया। क्या क्या किया गया पूरा? आज हमारे गांव में बंदर के मौत की सूचना मिली है। कई हमारे पास जंगल में बंदर की मौत हो गई है, तो ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने बंदर की शव यात्रा निकाली गई है गांव में, और हिंदू रीति रिवाज से हमारे गांव में यानी कि बंदर के अंतिम संस्कार भी किया गया है। बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों का ये कदम आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि दूसरे लिहाज से इसे एक सकारात्मक पहल के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर एक जानवर के लिए लोगों के इस तरह के विचार देखने को मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रीत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।